हिमाचल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं नादौन के विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन में पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर के पिता का कुछ दिन पहले देहांत हुआ था उसके लिए शोकाकुल परिवार से मिलने और अफसोस व्यक्त करने के लिए आए थे। इस अवसर पर काफी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका सोलन विश्राम गृह में स्वागत किया और उन्होंने काफी समय कार्यकर्ताओं से वार्तालाप की। मीडिया से अनौपचारिक वार्तालाप में पूर्व प्रदेश ने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर टिकट आवंटन सर्वे और जिताऊ प्रत्याशी को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। हालांकि मंडी सीट से उन्होंने कहा कि वहां से 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, जिनसे मंडी संसदीय पर कांग्रेस की विजय सुनिश्चित हो सके। शिमला संसदीय सीट पर डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और विनोद सुल्तानपुरी को प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने सभी से लोकसभा चुनावों में पार्टी जीत के लिए दिन रात कार्य करने का आग्रह किया है। शिमला संसदीय सीट से सोनलाल जी भी सशक्त उम्मीदवार है, धनीराम शांडिल जी भी सशक्त उम्मीदवार है और भी कई लोग सशक्त उम्मीदवार है जिन्होंने भर रखा है, तो निश्चित विनोद सुल्तानपुरी जी सशक्त उम्मीदवार है, तो कई लोग हैं सशक्त उम्मीदवार है और निश्चित तौर पर जीत की क्षमता वाले को और कांग्रेस पार्टी का साथ जो खड़े हैं उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि इस आधार पर सर्वे करवाएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मंडी टिकट सीट पर सबसे कोई सशक्त उम्मीदवार है वो माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी है, और क्योंकि वो 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें अब पार्टी को इस प्रकार की जरूरत भी है कि वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें सशक्त उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहिए की जरूरत। देखिए, चुनाव के लिए सुनी नहीं जाएगी जो जीतने वाला होगा। मेरा यह मानना है कि जीतने वाले प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए अक्टूबर में सर्वे राहुल गांधी जी ने किया है और जो पैनल गए थे, जो मैं पीसीसी अध्यक्ष था, और आने वाले समय में उचित समय पर उचित फैसला करेंगे और जो सबसे सशक्त उम्मीदवार होगा। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में बैठा था जब लड़ने की बारी आई तो मुकर जाए, तो जो सबसे सशक्त उम्मीदवार होगा वो चुनाव लड़ेगा।